अगली खबर जालौन से है, जहां झांसी कानपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों में जबरन यात्रियों से पैसा ऐंठने वाले अवैध वेंडरों की लगातार शिकायत मिल रही है, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। आपको बता दें कि झांसी से कानपुर जाने वाली ट्रेनों में अवैध वेंडरों के चलने से यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर यात्रियों ने शिकायत भी की है। हालांकि इन अवैध वेंडरों की कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन इन पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई होती नहीं दिखी है, जिसका नतीजा यह है कि वेंडर अभी भी ट्रेन में बेलगाम होकर चल रहे हैं और जमकर यात्रियों को परेशान भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अवैध वेंडरों का हब उरई और झांसी माना जाता है, जिसमें गैंग बनाकर अवैध वेंडरों की सुरक्षा का ठेका लेकर उन्हें ट्रेन में चलवाया जाता है। साथ ही वेंडर माफियाओं का बड़ा नेटवर्क भी यहां बताया जाता है। नकली सामान बेच रहे, बिना ड्रेस के बेच रहे, कोई अच्छा खाना भी नहीं है, महंगा भी ले रहे। तो स्टेशन पे खरीदा है। ऐसे वेंडर है वो, बस नकली क्या कोई आ जाता बेचने के लिए, लोग बेच रहे। और जाने वाली गाड़ियों में लगातार अवैध वेंडरों की भरमार देखी जा रही है, जिसको लेकर लोगों की शिकायतें लगातार हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इन अवैध वेंडरों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार वेंडरों की शिकायत मिल रही है, हालांकि इसके साथ साथ जो ट्रेनों में लोगों जब अस्थी पैसा मांगने की शिकायत अभी पिछले दिनों चली थी, उसकी उस पर कार्रवाई भी हुई भी नहीं थी कि अवैध वेंडरों की लगातार शिकायतें मिल रही, क्योंकि बड़े हुए दावों पर सामान जो बेच रहे हैं वेंडर, उससे लोगों को भारी नुकसान होता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रमाणित जो सामान जो ट्रेनों में बेचा जाना चाहिए वो नहीं बिक रहा है और क्या सामान लाकर बड़े हुए दामों पर बेच रहे हैं, जिससे यात्रियों में भारी रोष है। उनका कहना ये है कि ये अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध वेंडर यहाँ न चले। अवैध वेंडरों से खतरा लगातार लोगों को बना रहता है, क्योंकि झगड़ा करके और अवैध वसूली कर पैसा वसूलते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अब देखना ही होगा परेशानी कब खत्म होती है, कब इन पर कार्रवाई होती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी तरमान के अनुज जालौन। अब बात अगली खबर की।